हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में, हाथों में सूजन आना या फिर फेस पे स्वेलिंग सी महसूस होना, ये कॉमनली बहुत सारी महिलाओं को होता है। 10 में से 7 महिलाओं को सूजन कभी ना कभी किसी न किसी महीने में जरूर हो जाता है। सूजन के पीछे कई सारी महिलाओं का ये भी विचार होता है कि इससे गर्भ में बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल होने से कोई ना कोई वास्ता जरूर है, यानी कि कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो कि फैक्ट है, कुछ ऐसी बातें भी जानेंगे जो कि मिथ है। चलिए आइए विदाउट वेस्ट एनी टाइम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एक्चुअली में फ्रेंड्स, होता यह है कि स्वेलिंग आने का कुछ इंपॉर्टेंट रीजन होता है। नंबर 1, कि अगर आपके बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर 4 से 5 लीटर ब्लड होता है जो कि सर्कुलेट होता है पैर से लेकर आपके सर के हिस्से में, तो जब ये सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, और ये प्रेगनेंसी का एक बहुत कॉमन का रीजन है जिसकी वजह से आपके हाथ में और पाँव में स्वेलिंग सी महसूस आपको हो सकती है। ये सूजन की समस्या अमूमन 3रे महीने के बाद शुरू होती है। पैर में स्वेलिंग और हाथों में स्वेलिंग, ये बहुत कॉमन परेशानी है। अगर आपके बॉडी के अंदर आप चाहती हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो, तो आपको एक्टिव रहना चाहिए। घर के वो काम जो इजीली आप कर सके, जिसमें कोई दिक्कत आपको नहीं महसूस हो रही है, वो काम आपको जरूर करना चाहिए, या फिर प्रतिदिन 30 से 40 मिनट आपको टहलना चाहिए। अब दूसरा कारण जान लेते हैं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण रीजन ये होता है फ्रेंड्स, कि कई बार कुछ महिलाओं के शरीर में आयरन की कमी होती है, और आयरन की कमी यानी कि खून की कमी होना, जिसके कारण भी स्वेलिंग की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। अगर आपकी बॉडी एनेमिक हो गई है, यानी कि अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई है, तो भी स्वेलिंग हो सकती है। इसीलिए खाने पीने में कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है, वो सारी ही चीज आपको लेनी है जिसमें आयरन ज्यादा होता है, क्योंकि जितना ज्यादा आयरन शरीर में बनेगा उतना ही ब्लड का निर्माण होगा, और उतने ही अच्छे से ब्लड सर्कुलेट करेगा और आपके यूट्रस में भी पहुंचेगा, जिससे बेबी भी हेल्दी होगा। इसके लिए आप डेली चाहे तो अनार खा सकती हैं, आप गाजर खा सकती हैं, टमाटर खा सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप चुकंदर का रस पी सकती हैं, जो कि इनिशियली बहुत जल्दी क्विकली आपके बॉडी में आयरन का फ्लो बढ़ा देता है। और इनमें से कोई काम नहीं कर पा रही है, तो जो भी सब्जी आप बनाती हैं वो आयरन के कढ़ाई में बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि उससे आयरन मिलता रहेगा सब्जी में, और सब्जी खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा। अगर आप बहुत टाइम तक आयरन की कढ़ाई में सब्जी नहीं छोड़ेंगी, तो वो काला भी नहीं होगा। बस बनाइए सब्जी, फटाफट से आयरन के कढ़ाई से आप सब्जी को निकालिए और खा लीजिए, सिंपल। अब देखिए, तीसरा और महत्वपूर्ण कारण जो होता है, वो होता है वर्किंग वूमेन के साथ। अगर आप बहुत टाइम तक किचन में खड़ी हैं, या पैर लटका करके ऑफिस में बैठी हैं, तो ये दोनों ही कंडीशन में आपके पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। अगेन, इसके पीछे कारण है कि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है। इसीलिए चाहे आप वर्किंग वूमेन हैं, ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ता है, तो भी बीच बीच में टहलना है। अगर आप घर पे किचन में या कोई भी काम बहुत देर तक खड़े होकर कर रही हैं, तो भी बीच में बैठना है, रेस्ट करना है। इसके अलावा पांचवा और महत्वपूर्ण कारण, कई बार ट्रैवलिंग की वजह से, जैसे कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ट्रैवलिंग कर ली, जर्नी काफ़ी लंबी है, 4 से 5 घंटे की है, तो स्वेलिंग आना बहुत ज़्यादा कॉमन है फ्रेंड्स। इसके अलावा छठा और महत्वपूर्ण रीज़न, बहुत बार ऐसा होता है कि सोने की कंडीशन भी आपकी कहीं ना कहीं स्वेलिंग की जिम्मेदार बनती है। कई बार आपको जो है सोने में पीठ के बल बहुत ज़्यादा आराम महसूस होता होगा, तो पीठ के बल सोने से रिसर्चेस ये बताते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान करवट लेकर के सोना ज़्यादा बेस्ट पोजीशन स्लीपिंग पे माना जाता है। इसीलिए आप करवट लेकर के सोइए, जिससे कि आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, आपका ऑक्सीजन का कंजप्शन अच्छा होगा, बेबी तक ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन बहुत अच्छे से पहुँचेगा। इसीलिए आप इन छोटी छोटी बातों का अगर विशेष ध्यान रखेंगी, तो स्वेलिंग की प्रॉब्लम से बच जाएंगी या फिर स्वेलिंग कम आएगी। इसके अलावा फ्रेंड, सातवां और सबसे महत्वपूर्ण कारण, शरीर के अंदर पानी की कमी होना। कई बार बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है। आपको पता है कि प्रेग्नेंट वूमेन को पानी की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। वो सभी चीज़ें जिनमें खाने में मिनरल अधिक होता है, वो आपको डेली लेना चाहिए और पानी भी अच्छे से पीना चाहिए। इसका प्रमुख कारण ये है कि गर्भ के अंदर बच्चा पानी की थैली में रहता है, साथ ही साथ शरीर के अंदर 70% पानी होता है। इस वजह से आपके शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाना है। इस गर्मी के मौसम में स्वेटिंग भी बहुत आती है, और अगर ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में
पानी कम पिएंगे तो बॉडी आपकी डिहाइड्रेट हो जाएगी, त्वचा भी दुखी हो जाएगी, त्वचा में खुजली ज़्यादा आएगी और शरीर के अंदर भी पानी की मात्रा कमी होगी। एमिनेटिक फ्लूड यानी पानी की थैली में पानी की मात्रा भी कम हो सकती है, इसीलिए करीब 3 से 4 लीटर पानी अच्छे से दिन भर में पीना जरूरी है। जूस का सेवन करना जरूरी है, जितने भी फल फ्रूट जिसमें बहुत ही अच्छे से फाइबर होता है, मिनरल होता है, वो लेना जरूरी है। जैसे कि ककड़ी का सेवन गर्मी में आप फ्रिक्वेंटली कर सकती हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिलता भी है। जूस किसी भी मौसम में लिया जा सकता है और पानी हर मौसम में तो आपको मिलता ही है, तो पानी अच्छे से पीजिए, उसमें कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है। ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण स्वेलिंग होती है। अब देखिए दोस्तों, इसका कुछ निवारण भी है, यानी स्वेलिंग हो रही है तो उसको ठीक से कैसे आपको क्योर करना है। सबसे पहली बात कि स्वेलिंग किस कारण से हो रही है, इसको पता लगाने के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कई बार इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन की वजह से भी स्वेलिंग होती है। इसके अलावा फ्रेंड, स्वेलिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही है आपको, तो आपको एक्टिव तो रहना ही है, आपको ढीले कपड़े पहनने हैं, स्लीपर्स वेयर करना है, कभी भी हील्स नहीं पहनना है, और इसके अलावा टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। बाकी तो आप अपना देखभाल खाने पीने की चीज़ों से कर ही लेंगी और अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करिए। अगर इनिशियल स्टेज पे कोई प्रॉब्लम भी है तो डॉक्टर मेडिकेशन के द्वारा ठीक कर देंगे, तो चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं बहुत ज़्यादा जो मिथ आपके दिमाग में चलता है कि बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल से ये रिलेट करता है। तो देखिए फ्रेंड, सारे ही कारण मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं और आप इससे समझ भी चुकी हैं कि बेबी बॉय हो या फिर बेबी गर्ल हो, कभी भी स्वेलिंग से कोई रिलेशन नहीं होता है। वैसे भी रिसर्चेस ये बताते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है कि स्वेलिंग होने से बच्चे के जेंडर का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसीलिए आप भी इस तरह के मिथ से बच के रहें। अपने दिमाग में ऐसे कोई भी ख्याल आते हैं या सवाल आते हैं तो आप बिल्कुल ही उनको इग्नोर करें, क्योंकि ये बिल्कुल ही टोटली फॉल्स चीज़ें हैं, ये बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि इसका कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं है। अगर जिन महिलाओं पे ये कंडीशन सही लागू होती है, उन पे सही हो जाती है एज ए टोना या टोटका के हिसाब से। तो दोस्तों, ना अपने आप को परेशान रखने की ज़रूरत है, ना टेंशन में आपको आने की ज़रूरत है, और अपने आप को खुश रखिए, स्वस्थ रखिए। मन में कोई सवाल है तो मुझे मेल करिए, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। और हाँ, जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन और अच्छा फील होता है। सो फ्रेंड्स, अगली बार फिर से मिलूंगी, आप अपना पूरा ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।